क्या अलग होने वाला है? अलग तो मुझे पता नहीं, मज़ा मैं सेलिब्रेट करने आया हूँ, और सेलिब्रेट करने आया हूँ आफ्टर 2 सालों के बाद मौका मिला है कि लोगों को मैं लाइव देख सकता हूँ, लाइव परफॉर्म कर सकता हूँ, और मैं खुश हूँ लाइव परफॉर्म करते हुए। आई लव स्टेज, बींग ऑन स्टेज तो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टेज पे चढ़ना, लोगों को एंटरटेन करना। क्या मस्ती होने वाली है, किस तरह की परफॉर्मेंस? अगर सारे जोक मैं आपको बता ही दूंगा अभी, तो आप वहाँ क्या देखोगे? स्टेज पे सुनील जी आप काफी धमाल कर रहे हैं फिल्मों में हो, लास्ट क्वेश्चन, हां कोई बात, क्या कहना चाहोगे इसको लेके आप? देखिए मैं कहाँ कर रहा हूँ, एक तो OTT की वजह से काफ़ी कुछ एंटरटेनमेंट अब शुरू हो गया है, और मतलब पहले भी था पर एक दायरा बढ़ गया है, तो और मैं आई फील वेरी लकी कि मुझे अलग अलग तरह की भूमिकाएं निभाने को मिल रही हैं और नए नए एक्सपेरिमेंट करने को मिल रहे हैं, तो आई फील वेरी फॉर्चुनेट। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं कॉमेडी करना बहुत इंजॉय करता हूँ, पर लोग इसके अलावा भी मुझे एक्सेप्ट जब करते हैं तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। आपके नया शो लेके आ रहे हैं, सॉरी मैंने क्वेश्चन सुना नहीं आपका। कौन सा कौन लेके आ रहा है? आप लेके आ रहे हैं? मैं लेके आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता, अभी मुझे नहीं पता। नवरात्रि के पावन महीना चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पावन महीना चल रहा है, और पवन भी चल रही है, जैसा कि आपने बोला पवन महीना, तो पवन भी है, पावन भी है, और ऑफ कोर्स बड़ा अच्छे दिन है, लोग व्रत भी रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रे करते हैं, और प्रे से पावरफुल कुछ नहीं होता, सो आई थिंक वेरी ब्यूटिफुल डेज। थैंक यू, जय माता दी। आपका पूछने के लिए, मेरी सेहत बहुत अच्छी है, मेरा दिल बांध हुआ गया। अच्छा सुनील सर, इतने टाइम बाद आप यू नो लोगों के बीच में परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक्साइटमेंट ज़्यादा है, नर्वस है, क्या है? सब कुछ मिक्स है, ये मिक्स वेजिटेबल है, साथ सब कुछ इमोशंस मिक्स है, बिकॉज आई एम परफॉर्मिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम। लाइव ऑडियंस को देखने का मौका मिल रहा है, और स्टेज पे जाने का मौका मिल रहा है, नर्वस भी हूँ क्योंकि लाइव स्टेज में वो नर्वसनेस थोड़ी सी मुझे तो होती है जाने से पहले। अच्छा, कौन से एक्साइटमेंट ज़्यादा है? कौन से किरदार निभाने वाले हैं? अभी देख रहा हूँ, बस जो कपड़े में लाया हूँ ये सब देखते हैं, थोड़ा सरप्राइज रखते हैं। ठीक है, कोई टिप्स देना चाहेंगे कॉमेडी से रिलेटेड व्यूअर्स? कॉमेडी से इसको कॉमेडी करनी होगी तो क्या टिप्स देंगे? कॉमेडी यही करनी है तो पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता, मैं तो वैसे ही चला जाता हूँ और ऐसे ही करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ करते रहो बस, बस दिल से करो जो भी। एक लास्ट चीज पूछना चाहूंगी, जो क्रिस रॉक के साथ हुआ, तो आप क्या आपको लगता है कि कॉमेडियंस मेरे साथ नहीं हुआ? पहले आज के इवेंट के बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए, सुनील ग्रोवर यहाँ पर है, और क्या एजेंडा है सबसे पहले इस बारे में? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का कॉमेडी का जो इवेंट है उसमें सुनील ग्रोवर हमारे मेन होस्ट है, उनका शो है ये, और उनके कॉमेडी के एक्टिविटीज़ के, उनके इवेंट्स के बारे में, उनके परफॉर्मेंसेस के बारे में सारी दुनिया जानती है। अब ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि हम इस शो के साथ एसोसिएटेड है। जय भीम शॉर्ट वीडियो ऐप ये इस वक्त सबसे पॉपुलर ऐप है, और इसमें बहुत सारे यंगस्टर्स नए नए वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, तो हमको ऐसे लोगों के साथ जुड़ना था जो अपना कंटेंट खुद क्रिएट करते हैं, और फिर सुनील ग्रोवर से बढ़कर कौन है जो कंटेंट क्रिएट ना करे। तो मैंने बहुत सारा कंटेंट टेलीविज़न के लिए किया है, खुद उनके डिजिटल स्पेस पर भी उनका बहुत सारा कॉन्टेंट है, तो हमको बड़ी खुशी हुई है कि जय भीम ऐप इस एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहा है। आज कुर्ला में फिनिक्स मॉल में जब ये एक्टिविटी हो रही है तो शो हमारा हाउसफुल है, फिजिकल एक्टिविटी है, बहुत बड़ा रिस्पांस है, और साथ ही साथ इस ऐप के साथ भी हमारे डाउनलोड्स बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली ऐसे एक्टिविटीज़ के साथ हम इसलिए जुड़ रहे हैं कि हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जय भीम ऐप को डाउनलोड करें और बहुत सारे इनामों के हकदार बने, क्योंकि हमने कई सारी स्कीम्स रखी हैं। और सर सुनील ग्रोवर जी को भी क्या हम देखेंगे कुछ शॉर्ट वीडियोज बनाए जय भीम ऐप पर? सुनील ग्रोवर साहब के साथ हम चाह रहे हैं कि आगे चलकर कुछ शॉर्ट वीडियो ऐप्स पे उनके कंटेंट को लिया जाए, बिकॉज कॉमेडी के क्षेत्र में वो अग्रणी हैं, बहुत सारा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, और बहुत सारे जो वीडियो शॉर्ट वीडियो ऐप्स पे आते हैं उसमें कॉमेडी बहुत इम्पॉर्टेंट वर्टिकल है, उसमें कॉमेडी सॉन्ग्स और डांसेस होते हैं, उसमें कॉमेडी के लिए सुनील ग्रोवर इंस्पिरेशन है, बहुत सारे यंगस्टर्स उनको अपना आदर्श मानते हैं, बहुत सारे वीडियो क्रिएटर्स आज भी उनके बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके
वॉइस ओवर के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए जाते हैं, वो शॉर्ट वीडियो ऐप से बहुत ही पॉपुलर फेस है, इसलिए बहुत नेचुरल था कि हम उनके साथ जुड़े। और इसके साथ ही हमको लगता है कि सुनील ग्रोवर साहब के साथ हमारी रीच भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। साथ ही अगर सर जैसे हमने देखा कि अलग अलग जगह पर जाके जगह में आपको प्रमोट किया जा रहा है, आगे क्या कुछ नया एक्टिविटी लेकर आने वाला है जगह? देखिए अभी हमने कैलाश खेर नाइट की, उसके अलावा सुनील ग्रोवर साहब के साथ कर रहे हैं, आज उज्जैन में हम मनोहर उदास साहब के साथ एक टैलेंट हंट कर रहे हैं, कल इंदौर में एक टैलेंट हंट है, उसके अलावा 13 तारीख को जमहूरी मैदान मुंबई में प्री डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती का एक बहुत बड़ा रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, उसके अलावा आम्बेडकर एक्सेलेंस अवार्ड्स की भी हम घोषणा करने वाले हैं, उसके अलावा कई सारी एक्टिविटीज़ है जिसमें ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ है, हमें कंटिन्यूस करते जा रहे हैं। तो आज के एक्टिविटी के बाद कल एक बड़ी एक्टिविटी है जो इंदौर में होने जा रही है, जो सिंगिंग पे है, आज बेसिकली कॉमेडी पे है, कल मनोहर उदास साहब रहेंगे, आज सुनील ग्रोवर है, और उसके बाद 13 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बॉम्बे में होगा, और उस एक्टिविटी में भी कुछ बड़े नाम जुड़ने वाले हैं, जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं नाम, उनमें सुनील पॉल है, उसके अलावा संभाजी भगत साहब है, और भी कई सारे सिंगर्स हैं, नितिन रायकवर है, तो ऐसे कई सारे लोग इस वक्त जुड़े हैं, हो सकता है 13 तारीख को एक बड़ा धमाका हो इस ऐप के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। क्या थॉट प्रोसेस है इसके पीछे? थॉट प्रोसेस पहले अपना RCT वाला था जो पूरा सक्सेस हुआ, फुल शो था, ऐसा ही इधर लोगों में जोश है, लोग बहुत घुमा के आ रहे हैं, पूरे जोश से आ रहे हैं, और ऐसे ही ये सक्सेस होने वाला है, बहुत मज़ा आ रहा है, सब लोग के फ़ोन आ रहे हैं, सर हाउसफुल है, क्या करें क्या करें, तो वही बात लास्ट वाली रिपीट हो रही है, अभी बहुत मज़ा और बहुत अग्रेसिव है सब में, और सुनील जी करेंगे बहुत अच्छा। सर क्या कहना चाहिए गिरीश सर के साथ, राहुल जी गिरीश सर की गिरीश सर बहुत अच्छे हैं, जय भीम एप्लीकेशन ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, जो जंग लोग हैं उन्होंने पूरा जोश है, बहुत सारे रोज़ की रोज़ डाउनलोड हो रहे हैं, जय भीम बहुत जल्दी ग्रोथ कर रही है, आगे जाके आप देखना गिरीश जी शायद आपको मिलेंगे भी नहीं, इनको मिलना मुश्किल हो जाएगा, ये हालत हो जाएगी। और राहुल जी मिड डे के, तो आपको पता ही है राहुल जी के बारे में, तो इनका तो कोई जवाब ही नहीं है। राहुल साहब का हम दोनों को, मुझे और सचिन को बहुत सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट। एक ऐसा न्यूज़पेपर है जिसमें इवेंट्स तो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ पर्सनल प्रोफाइलिंग भी करता है, और किसी भी ब्रांड को रिस्पेक्ट देता है बहुत। आज हम इतने वक्त से इनके साथ जुड़े, कई सालों से जुड़ रहे हैं, अब सचिन भाई आने के बाद मिट्टे ने हम दोनों की ताकत बहुत बढ़ा दी, एक नया रूप पैदा कर दिया, मतलब कुछ नया ही पैदा हो गया, कुछ मतलब ज़बरदस्त हो रहा है, आगे जाके और भी अच्छा करेंगे, राहुल जी है साथ में, इनका आशीर्वाद है बस। राहुल भाई आप क्या कहना चाहेंगे मिट्टे जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है सारे इवेंट्स को, पिछला जो शो था वो सुपर हिट था, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि पूरा हाउस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग आए और आप लोग ये इवेंट कवर करने के लिए आए, और जैसे गिरीश भाई और सचिन भाई, जैसे जय भीम और सचिन एंटरप्राइज, ये दोनों ने हमेशा से सपोर्ट किया है मिड्डे को, और मिड्डे की ताकत एंटरटेनमेंट जोन रहा है, जो अगर आपने हाल ही में देखा होगा लास्ट एक साल दो साल के अंदर हम लोग म्यूजिकल नाइट रिपीटेटिवली 4 साल से कर रहे हैं, हम लोग अपना ये कॉमेडी नाइट्स हम लोगों का ये पहला एक्ट है जो हम लोग अभी करने जा रहे हैं। अब कल हमने किटी पार्टी किया था जो अगेन एक वुमेन सेगमेंट को एंटरटेनमेंट पर से हम लोग टारगेट करते हैं, तो मिड डे यूथ और एंटरटेनमेंट ये जो मेरे दोनों बटन्स हैं हम लोग उनको टैप करके आगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।